कानपुर महानगर के ग्वारटोली चौराहे में अखिल भारतीय शिया सेवा समिति के द्वारा जश्न यौम गदीर मनाया गया। इसमें समिति के लोगों ने शरबत, कोल्ड ड्रिंक और भोजन का वितरण किया। समिति में शामिल लोगों ने इस मौके पर गदीर के दिन का महत्व बताया। आज हम सब लोग ग्वारटोली चौराहे पर अखिल भारतीय शिया सेवा समिति के तत्वाधान में आज सिया समुदाय के जो गुरु थे मौला, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की थी, इसलिए ईद गदीर का त्यौहार आज के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार सिया समुदाय में सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि आज के दिन जो है मौला अली का नियुक्ति हुई थी। ग्वारटोली चौराहे पर सिया सेवा समिति द्वारा कोल्ड ड्रिंक का वितरण, त्यौहार के पर्व पे नाश्ते का वितरण यह पर्व मनाया जा रहा, सबको मुबारकबाद दी जा रही है कि और खुशियां मनाई जा रही हैं। जो लोग आरोप लगाते थे, विपक्ष के लोग, विद्रोही लोग, कि प्रदेश में या केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी तो मुसलमान ना तो त्यौहार मना पाएगा ना अपने परिवार को ठीक से चला पाएगा, ये उनकी खोखली बातें हैं। जिन्होंने योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है, उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जिन्होंने उनका हाथ थामा है, वो खुशहाली से अपने समाज को भी चला रहे हैं, अपने परिवार को भी चला रहे हैं और त्यौहार को भी मना रहेंगे। इसी मौके पर हम सब लोग ग्वारटोली चौराहे पे इकट्ठा हुए हैंगे, प्रसाद का वितरण कर रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक का वितरण कर रहेंगे और सबको मुबारकबाद की बधाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं दीप नारायण गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य और सूटरगंज से रनर पार्षद के रूप में अभी जाकर रनर पार्षद रहा मैं। हमारा सा दीक्षा वारसी, आज का दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करके लौटे हैं, ईद गदीर में रुके हैं, तो कुछ लोगों ने बात उठाई थी मौलाए कायनात के बारे में, तो सरकार को मालूम हुआ, सरकार ने मौलाए कायनात को बुलाया और कहा अली आपने ऐसा फरमाया, कहा हाँ बेशक या रसूलल्लाह सच है, कहा वो कैसे, कहा इल्म का शहर है आप हैं, इल्म का दरवाज़ा मैं हूँ और जब मैं चाहूँगा जब भी दरवाजे से दाखला होगा वरना ना होगा। तो अल्लाह के महबूब ने उसी वक्त हाथ उठा के बुलंद किया और कहा जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अली है और जिसका मौला अली है उसका मौला मैं हूँ। इल्म का शहर अली है, इल्म का दरवाज़ा अली है, इल्म का शहर मैं हूँ, अली मेरा नायब है, मेरे बाद मेरी उम्मत का और मेरे दीन का रहनुमा अली होगा। आज जो कार्यक्रम जो मैं बयान कर रहा हूँ वो ईद गदीर यही है कि अली को मुकम्मल आपने उम्मत का, पूरी कायनात का आपको जिम्मेदार बना दिया गया, हुजूर ने खुद बनाया। भैया